देश दुनिया में कई अनोखी और अजीबोगरीब शादियां देखी होंगी, लेकिन भारत में हुई इस अनोखी शादी के बारे में जानकर आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या कहें और क्या करें। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच बेशक सरहद की लकीरें खींची हूं, दुश्मनी की दीवारें खड़ी हूं, लेकिन दिलों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भाजपा नेता के बेटे ने पाकिस्तानी लड़की से ऑनलाइन निकाह किया है और अब वो अपनी दुल्हन को उसकी ससुराल भारत लाने के लिए वीजा मांग रहा है। उसने सरकार से अपील की है कि वो उसकी दुल्हन को वीजा दे ताकि वो भारत आए और दोनों देशों के बीच दोस्ती होने के फूल खिले, दोनों देशों के बीच की दूरियां खत्म हों और रिश्ते मजबूत हों। आपको बता दें कि नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले मखदूम शाह अड़हन निवासी और भाजपा सभासद तहसीन शाहिद के बेटे मोहम्मद अब्बास की शादी पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले उनके रिश्तेदार की बेटी से हुई। एक साल पहले शादी तय हुई थी और लड़की ने वीजा के लिए भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन वीजा मिला नहीं। इस बीच दुल्हन की मां राना यास्मीन जैदी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। वीजा नहीं मिलने पर और दुल्हन की मां की तबीयत को देखते हुए भाजपा नेता तहसीन शाहिद ने लाहौर में रिश्तेदार से फोन पर बातचीत करके ऑनलाइन शादी कराने का फैसला किया। शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर की रात को इमामबाड़ा कल्लू मरहूम में तहसीन शाहिद बारातियों को लेकर पहुंचे। बड़ी टीवी स्क्रीन पर सभी के सामने ऑनलाइन निकाह कराया गया। निकाह दोनों मुल्कों के मौलाना ने कराया। लाहौर में भी दुल्हन के यहाँ काफी रिश्तेदार जुटे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।